कोविड पैंडेमिक फिर से आने वाला है और ये रिपोर्ट सुन के लास्ट कुछ वीक से पूरे वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा टेंशन में है और इसी मैटर के रिगार्डिंग कई सारे रूमर्स हम सबको सुनने को भी मिल रहे हैं। तो क्या हम सब एक और बार फिर से 2 साल पहले वाले की जो सीनरी था उसका फिर से विटनेस बनने वाला है और क्या पहली बार की तरह इस बार भी पूरी तरीके से लॉकडाउन होने वाला है? तो हे गाइस, मायसेल्फ इंद्रजीत चौबे, आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम सब ये डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 की इस न्यू वेरिएंट BF7 चाइना में फिर से क्यों इतना स्प्रेड होना चालू हुआ, एंड सेकंड पार्ट में क्या हमारे इंडिया में इससे कुछ इंपैक्ट पड़ने वाला है, अगर है तो इससे कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, एंड लास्टली इससे सेफ बने रहने के लिए हम सबको अपने एक्टिविटीज पर क्या क्या ध्यान रखना होगा। तो ये सब कुछ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना। तो साल 2020 के स्टार्टिंग में चाइना गवर्नमेंट इस जानलेवा स्प्रेड डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी को शुरू किया था और इसके लिए इन्होंने ह्यूज कोविड टेस्टिंग, डिफरेंट सिटीज में वाइड लॉकडाउन एंड क्वारंटाइन जोन क्रिएट किया था ताकि इस वायरस की एक्चुअल रूट को आइडेंटिफाई किया जाए एंड इसकी क्विकली एज सून एज पॉसिबल एंटीबॉडी बनाकर इसे तुरंत ही चाइना से एलिमिनेट किया जाए। और इस स्ट्रेटजी से चाइना गवर्नमेंट को टेम्पोररी काफी ज्यादा सक्सेस भी मिला था एंड चाइना गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2020 एंड 21 में यूएसए में ग्रेटर देन 100 मिलियन, इंडिया में 45 मिलियन, फ्रांस 38 मिलियन एंड जर्मनी में 37 मिलियन इफेक्टेड केसेस सामने आया, बट वहीं पे चाइना में सिर्फ 0.3 मिलियन। बट ये कितना ज्यादा सच है ये आप मैं हम में से कोई भी नहीं जानता है, बट जस्ट रिसेंटली चाइना गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया एंड जीरो कोविड पॉलिसी को चाइना से पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। तो अब एक ही सवाल आता है कि ऐसा हुआ क्यों? अब लॉकडाउन की इनिशियल स्टेजेस पे सारे रिस्ट्रिक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से वहाँ के मैक्सिमम पीपल्स कई हफ्तों तक घर से निकल ही नहीं पाया। एज ए रिजल्ट लोग भूखा मरने लगा था एंड डे बाय डे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज होने लगा, जिसकी वजह से अब मैक्सिमम मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के पीपल्स फ्रस्ट्रेट होकर बिना किसी चीजों के परवाह किए हुए ही रोड में खुलेआम हड़ताल करना चालू किया एंड चाइना के एक मीडिया फुटेज के अकॉर्डिंग इतना बड़ा हड़ताल इन्होंने आज तक देखा ही नहीं। और ऐसे ही एक इतना बड़ा हड़ताल की विटनेस चाइना गवर्नमेंट पहले भी ऑलरेडी एक बार रह चुका है, बट वो था साल 1989 में तियानमेन मस्करे के केस के टाइम, यानी कि आज से ठीक 30 इयर्स पहले। और इस तरह की हड़ताल एंड आंसर गैदरिंग को देख के चाइना गवर्नमेंट कुछ फाइनल डिसीजन ले ही नहीं पा रहा था, ऊपर से चाइना की इकोनॉमी पर डे बहुत ही तेजी के साथ नीचे भी आ रहा था। एक साल के अंदर ही चाइना के डोमेस्टिक फ्लाइट ग्रेटर देन 45% से डिक्रीज हो गया था, जहां चाइना ग्लोबल जीडीपी के अकेला ऑलमोस्ट 90% प्रोड्यूसर है। वहीं पे साल 2020 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होने के कारण चाइना इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स होने लगा था और इस डाउनफॉल से सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ा था चाइना के वो था टूरिज्म एंड होटल इंडस्ट्री, एंड इसका इंपैक्ट अब तक इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शंघाई कंपोजिट इंडेक्स, जो कि साल 2019 से लेकर अब तक इसका ग्रोथ ग्राफ ऑलमोस्ट फ्लैट रह चुका है। सॉरी, फ्लैट बोलना भी गलत होगा, अगर इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप चेक करेंगे तो इसका ग्राफ ऑलमोस्ट -7% पर ट्रेड कर रहा है। और ये सारे चीजें चाइना के साथ लगातार 3 सालों से कंटिन्यूअसली होते आ रहा है, ऊपर से 6 महीने के बाद डिफरेंट कोविड वेव्स को कंटिन्यूअसली फेस कर रहा है। लाइक इसी साल मार्च के एंडिंग में 30,000 केसेस सामने आया एंड हाल ही में सेम ऐसा ही 70,000 केसेस फिर से सामने आया है। तो अब गवर्नमेंट लगातार बार बार इस सिचुएशन को फेस करते हुए उन्होंने अब इस वेव्स से खुद को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट स्टेटमेंट अगर ऐसा ही सिलसिला कंटिन्यूअसली चलता रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब चाइना को भी IMF के पास हाथ फैलाना होगा। तो पर्सनली मुझे लगता है ये जो चाइना गवर्नमेंट विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन सडनली जीरो कोविड पॉलिसी को विड्रॉल कर लिया, इससे उन्हें ही फ्यूचर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। एंड राइट नाउ चाइना गवर्नमेंट ने फॉरेन मेड वैक्सीन को अप्रूव करने से मना कर दिया है एंड उनका लोकल मेड वैक्सीन भी उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है कि जिसकी वजह से ओवरऑल चीजें कंट्रोल में आ जाए, और चाइना में वैक्सीनेशन रेट भी बहुत ही ज्यादा लो है। और ये नंबर सुन के मैं गारंटी लेता हूँ कि आप फुल्ली शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि एक डाटा के अकॉर्डिंग चाइना के सिर्फ 40% पीपल ही अब तक वैक्सीनेटेड है, और ये जो 40% पीपल वैक्सीनेटेड है इनमें से 80% पीपल मोस्ट डेंजरस कोविड प्रोन एरिया से बिलोंग करता है। तो उनके डाटा के अकॉर्डिंग चाइना में अभी भी 60% पीपल अनवैक्सीनेटेड है, और इस बार ये वेव्स अगर इसी स्पीड के साथ बढ़ना चालू हुआ तो चाइना की हेल्थ केयर सिस्टम इसे पूरी तरीके से हैंडल करने में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। एंड करेंटली चाइना जिस स्पीड के साथ वैक्सीनेशन को आगे बढ़ा रहा है, अगर फ्यूचर में इसी रेट से आगे बढ़ाता रहे तो चाइना के एक इकोनॉमिस्ट के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ये इन्फेक्शन नेक्स्ट आने वाली फरवरी तक ये नंबर पीक पॉइंट को यानी कि 45 मिलियन तक टच कर सकता है, जिसमें 100% श्योरली के साथ
साथ ये कह रहा है कि 1.5 मिलियन पीपल की डेथ की विटनेस चाइना रहेंगे। तो आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ चाइना एंड उनके प्रेसिडेंट सी जिनपिंग के लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज रहने वाला है। अब पर्सनली मेरे हिसाब से जीरो कोविड पॉलिसी को पूरी तरीके से विड्रॉल कर लेना ये एक चाइना के लिए बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन था, और आपको क्या लगता है इसे कॉमेंट में जरूर बताना। तो आप आते हैं वीडियो की सेकेंड टॉपिक पर कि क्या इससे इंडिया में कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अगर है तो वो कितना चांसेस है। तो सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ा काम करना है वो है कि इधर उधर की रूमर्स बातें को सुन के पैनिक नहीं होना है। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट चाइना के सारे सिचुएशंस पर कंटिन्यूअसली नजर रखे हैं, एंड इसके रिगार्डिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर रेस्पेक्टेड नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने रिसेंटली एक मीटिंग में स्ट्रिक्टली मास्क यूज करने के लिए एडवाइस भी दिया है। एंड इसके साथ साथ सारे स्टेट में मैक्स टू मैक्स कोविड टेस्टिंग के लिए भी परमिशन दिया गया है। एंड अब तक का एक अपडेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस कोविड 19 की न्यू BF7 वेरिएंट से टोटल अब तक 4 लोगों की इफेक्टेड होने की रिपोर्ट सामने आया है, जिनमें 2 उड़ीसा एंड 2 गुजरात के रहने वाले हैं, बट थैंक गॉड वे सारे अब क्योर हो चुका है। तो इंडियन डॉक्टर्स एंड कुछ हेल्थ एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग इस BF7 वेरिएंट से इंडिया को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड डॉक्टर अनुराग अग्रवाल एक इंटरव्यू में ये भी बताए हैं कि पास्ट ईयर इंडिया ऑलरेडी ओमिक्रॉन एंड डेल्टा स्पीसीज के कोरोना को हार्डली फेस भी कर चुका है, तो एज ए रिजल्ट वैक्सीनेशन के साथ साथ हमारे अंदर ऑलरेडी इनफ इम्यूनिटी बिल्ड हो भी चुका है। एंड हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इस BF7 वेरिएंट की स्प्रेडिंग को रिड्यूस करने के लिए लास्ट फ्राइडे से ही ऑलरेडी भारत बायोटेक मेड नजल वैक्सीनेशन को वैक्सीनाइज्ड करना चालू भी कर दिया है। तो फाइनली एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इधर उधर की न्यूज सुन के ज्यादा पैनिक में नहीं आना है, एंड आउटडोर ट्रेवल के टाइम 100% मास्क यूज करना है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, दैट्स इट। तो गाइस आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, तो वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।